पाकिस्तान को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि दुनिया भर में जो पाकिस्तान के दूतावास हैं वहां पर पाकिस्तान ने विदेशी मुद्रा में पेमेंट रोक दी है। इसकी वजह से जितने भी दूतावास हैं वो घर खाली करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो वहीं वहां पर कंगाली की हालत देखते हुए पाकिस्तान के दूतावासों में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। क्या ये सही समय है कि भारत अब पीओके को वापस ले ले? इस बात के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले बता दूँ कि यदि आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और इस वीडियो को अपना एक लाइक जरूर दें। दरअसल बता दें कि पाकिस्तान की जो कंगाली हालत बनी हुई है, पाकिस्तान में हर जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के किसी भी शहर का वीडियो उठाकर देख लिया जाए तो वहां पर लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी समय पाकिस्तान खुद भी विदेशों में अपने दूतावासों को पैसा भेजने में असमर्थ हो चुका है। ऐसे में यदि हम पीओके की बात करें तो पीओके में भी भारत के सपोर्ट में और पाकिस्तान के खिलाफ में जबरदस्त नारे लग रहे हैं। जगह जगह पर पुतले फूके जा रहे हैं और घर बहुत ही भयंकर नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे एनालिसिस का कहना है कि क्यों ना भारत इस समय अब पीओके को अपने में मिला ले, क्योंकि यह बेहद सही समय बताया जा रहा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने दूतावासों का खर्चा चला सके, तो वह कैसे पीओके में भारत के किए गए इन्वेंशन को रोकने के लिए सेना भेज पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ पैसे की ही कमी नहीं बल्कि इस समय वहां पर पेट्रोल, डीजल, आटे, गेहूं, हर चीज़ की कमी दिख रही है। ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर आ चुका है और भारत के ऊपर कहीं ना कहीं यह प्रेशर बनाया जा रहा है कि इसे इस समय क्यों ना जल्द से जल्द पाकिस्तान के पास हमारा जो पीओके पड़ा हुआ है उसे वापस ले लिया जाए। वैसे आप लोगों का इसके बारे में क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पीओके के बारे में एक एक पल की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें।